हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जस्ट मनी ऐप से कैसे हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट मनी एक ईएमआई लोन ऐप है जहां पर हमें जीरो इंटरेस्ट के साथ ईएमआई देते हैं। तो जस्ट मनी का सब पैसा वो डायरेक्ट हम विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ शॉपिंग पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीका को यूज़ करके हम जस्ट मनी का जब पैसा वैसा विड्रॉ करने वाले हैं। तो कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो देखना आपको लास्ट तक। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो जितने भी मनी आप जस्ट मनी ऐप से विड्रो करना चाहते हैं, उसी प्राइस का कोई भी एक सामान आपको क्या करना है, अमेजोन ऐप्स पर सेलेक्ट कर लेना है। अमेजोन ऐप्स पर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का हम बाय करने वाले हैं। तो उस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इजीली से वहां पर शो हो जाएगा जेस्ट मनी। तो जेस्ट मनी सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर हमें जो ईएमआई प्लान है वो प्लान इजीली से शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 3 मंथ के यहाँ पर ईएमआई सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे जीरो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर 36% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्लान आपको अच्छा लगे उसको आपको इजीली से सेलेक्ट कर दीजिए। आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपसे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप फर्स्ट ईएमआई पे करेंगे तो आपसे जो भी एक्स्ट्रा पे यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो जो भी प्लान आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। तो जितने भी बिल आ चुके वो आपको उजले से शो हो जाएगा कि आपको कितने बिल आ चुके हैं उस प्रोडक्ट के, और आप जो ईएमआई है वो एक्स्ट्रा चार्ज लगकर कितने फीस आ चुका है वो आपको उजले से शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा वेरीफाई के लिए, तो आपको ओटीपी से वेरीफाई कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर हमें इजीली से शो हो जाएगा आपके ईएमआई प्लान के, आपको फर्स्ट मंथ में कितने पे करना है, सेकंड मंथ में कितने पे करना है या थर्ड मंथ में कितने पे करना है, वो सारी वहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही कुछ वक्त के अंदर अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हमें तो प्रोडक्ट लेना नहीं है तो हम उसको क्यों यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम क्या करने वाले हैं, वो सब प्रोडक्ट हमने ऑर्डर कर चुका है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर कैंसिल करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ वक्त हमें वेट करना है। वेट करने के बाद आपको अगेन आपको क्या करना है, आपको जो अमेजन ऐप्स है उस ऐप्स को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, माई ऑर्डर वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी ऑर्डर आपने किया है अभी अभी उस ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंसिल ऑर्डर, तो कैंसिल ऑर्डर पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी एक रीज़न हमें मांगा जाएगा, तो आप कोई भी एक रीज़न दे सकते हैं। अगर आपके पास रीज़न है तो दे सकते हैं, वरना यहाँ पर अदर ऑप्शन है, उस अदर ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें गौर करना है, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल चुका है कि आपका जो रिफंड पैसा है वो पैसा जहाँ से आप पे कर चुके हो वहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं, या आपका जो अमेजोन बैलेंस है वहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे वाले जो सेक्शन है कि अमेजोन पे बैलेंस पर हमें ये जो रिफंड पैसा हमें मिलने वाला है वो हम अमेजोन पे बैलेंस पर हमें ऐड करना है। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट मनी का जो पैसा वो रिफंड होकर जस्ट मनी ही पर चला जाएगा। अगर हम नीचे वाले जो ऑप्शन है कि अमेजोन पे बैलेंस पर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना है, ये जो पैसा डायरेक्ट हमें अमेजोन पे बैलेंस पर हमें चला जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाले सेक्शन पर सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर कुछ ही मिनट का अंदर अंदर आपका जो पैसा है, यानी जो पैसा आपने जेट मनी से लिया है, कोई भी प्रोडक्ट आपने सामान खरीदा है, वो जो रिफंड हमने किया है उस प्रोडक्ट को, वो जो पैसा वो डायरेक्ट हमें अमेजोन पे बैलेंस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैलेंस अमेजोन पे बैलेंस पर आ चुका है। आप बात करते हैं कि हमें क्या करना है, 2 महीने के बाद आप जब आप जस्ट मनी ऐप्स ओपन करेंगे वहाँ पर टाइमिंग शो हो जाएगा, तो आपको वो ईएमआई आप इजीली से किस्ती में आप ईएमआई दे सकते हैं। तो वो जो अमेजोन पे बैलेंस में आपका जो पैसा आ चुका है उस पैसा का आप इजीली से मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट इसको आप इजीली से यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जस्ट मनी का पैसा आप इजीली से यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।